खुनखुन क्या कर रही हो? आज पापा का मजाक करने का बिल्कुल मूड नहीं, ये सब मत करो। नहीं कर क्या रही हो तुम? क्या हुआ मोहन, तुम इतने सैड क्यों हो? राधा को याद कर रहे हो? अगर इतने ही याद कर रहे हो तो उसे ऑफिस के जाने दिया। नहीं गुनगुन, अभी नहीं, ये सही वक्त नहीं है, मत बोलो ये सब। चलो उसे फोन करो। मेरे साथ तो वो कहीं गुनगुन के साथ भी ना हो जाए। अगर तुम्हें इससे प्रॉब्लम है तो तुम और अजीत अपने ससुराल जा सकते हो, और लेकिन लेकिन मुझे दामिनी के बारे में कुछ नहीं सुना और किसी से कुछ नहीं सुना। बताओ मोहन, बोलो। गुनगुन चलो बाहर चलते हैं आइसक्रीम खाने। मोहन का मूड ऑफ है तो मैं आइसक्रीम खाने कैसे जा सकती हूँ? राधा को याद कर करके इनका भी फेस पिघली हुई आइसक्रीम की तरह हो गया। अच्छा चलो, जब राधा आएगी ना तो उसे अच्छे से रेस्टोरेंट में कैंडल लाइट डिनर के लिए लेकर जाना। गुनगुन चुप। जैसे मूवीज में होता है, एक दूसरे की आंखों में देखना, फिर रोमांटिक सॉन्ग गाना, और सॉन्ग गाते गाते कपल डांस भी करना। और फिर उसके बाद लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाना, और राधा का हाथ पकड़ के बोलना, आई लव यू राधा। जब राधा के साथ टाइम स्पेंड करोगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बिकॉज राधा बिना मोहन आधा। क्योंकि मुझे समझ में इसलिए नहीं आती क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं। वैसे ही ना जैसे आपने तुलसी जी पर कभी भरोसा ही नहीं किया था। काश तुलसी की तरह हमेशा के लिए तुम मेरी लाइफ से चली जाओ, कभी लौट कर ना हो। क्या बकवास है ये? हाँ क्या बकवास किए जा रही हो तुम? सारा टाइम दिमाग ना इन्हीं सब फालतू बातों में लगा रहता है, इसलिए स्कूल में कम मार्क्स आ रहे हैं तुम्हारे। मोहन भैया ये आप क्या बोल रहे हैं? कि आज तुम गलती से भी गुनगुन की साइड मत लेना। ये उम्र से पहले बड़ी होती जा रही है और तुम सब इसे शह दे रहे हो। ये कुछ भी बोलती जाती और तुम सब हंसते रहते हो। ना बड़ों का लिहाज है ना उम्र का। और इसे रोकने के बदले ना तुम सब बढ़ावा देते रहते हो। ये उम्र है इसकी ये सब बातें करने की? हा? ये किताबें और खेलकूद की उम्र में ये फिल्मों और रोमांस की बातें कर रही है। और ये फोन जो है ना, सारे फसाड़ की जड़ तो ये फोन ही है। बच्चों का बचपन खा रहा है ये फोन, इसलिए आज जो भी बच्चा दिखे सब बड़ों की तरह बात कर रहा है। गुनगुन आज से नो फोन, नो टीवी। यही तरीका है तुम्हें लाइन पर लाने का। गुनगुन भैया
गुनगुन गुनगुन क्या कर रहे हो मोहन? राधा का गुस्सा गुनगुन पे निकाल रहे हो? ये सारे संदेश आपको तुलसी जी ने बल्कि किसी और ने भेजे। ये वही इंसान भेज सकता है जिसे आपका फोन आसानी से मिल जाए और आपके और तुलसी जी के अलग हो जाने से उसका फायदा हो। दामिनी जी जी, मेरी जिंदगी में अगर कुछ सबसे बुरा हुआ है ना, तो वो है तुमसे मेरी शादी। काश तुलसी की तरह हमेशा के लिए ना तुम मेरी लाइफ से चली जाओ, कभी लौट कर ना हो। दर्द है तो वो भी दे दो ना, इसमें कुछ सही तो हो नहीं रहा है। गलत ही तो हो रहा है मेरे साथ। गलत है तो आपका बिहेवियर मोहन भैया, इस छोटी सी बच्ची के साथ। अरे केतकी जाने भी दो ना, मोहन भी ऑलरेडी परेशान है। परेशान है तो क्या हुआ मोहन भैया, गुनगुन पर ऐसे कैसे चिल्ला सकते हैं? मुझे चाहे जितना बुरा भला कह लो, मुझे चाहे जितना चिल्ला लो, पर मैं गुनगुन के साथ ये सब नहीं सहूंगी। मुझे पता नहीं मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं बस सॉरी। मोहन भैया, आपको और गुनगुन का रिश्ता भी कुछ वक्त पहले ही ठीक हुआ है। इतनी मुश्किल से तो वो समझिए कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। अगर आप ऐसे चिल्लाने लग गए ना उस पर, तो आपका रिश्ता फिर से वहीं पहुंच जाएगा जहां गुनगुन आपसे नफरत करती थी, आपसे चिढ़ती थी। मारा है इन्होंने मेरी मम्मा को। आप मेरे पापा हो तो कुछ भी करोगे, आप मेरे पापा नहीं हो। आई हेट यू। अरे केतकी, जाने भी धोना, जो हो गया सो हो गया, प्लीज चुप हो जाओ ना। अब चुप तो मैं हो जाऊंगी अजीत, पर राधा को कौन चुप करवाएगा? जब राधा को पता चलेगा कि मोहन भैया ने गुनगुन को रुलाया है, तो फिर भैया करण से बात करेगी। क्या करेगी वो? नहीं, क्या बात करेगी वो मुझसे? गुनगुन जो है ना, वो पहले मेरी बेटी, उसे डांटने का कहे मुझे, और फिर शुरू कर दिया तुमने राधा राधा। क्या चल क्या रहा है यहाँ पर, जिसे देखो राधा का भजन गाते रहता है। मोहन भैया, अब भूल गए राधा के आने से पहले आप कैसे थे? गुनगुन को आपकी जिंदगी में वापस राधा लेकर आई है। आपको मोहन जी को पापा बुलाना, मंजूर? ठीक है, ओके। मैं गुनगुन त्रिवेदी ऑर्डर करती हूँ, उसे मत जाने दो, उसकी शादी मत होने दो। सालों की दुश्मनी छोड़कर किसी काम के लिए गुनगुन त्रिवेदी और मोहन त्रिवेदी एक साथ आए हैं, बवाल तो हो गए ना, राइट? राइट, डील, डील। भगवान पर विश्वास करना आपको राधा ने सिखाया है। आपने बाकी बिहारी जी को चुनौती दी थी और उन्होंने वो चुनौती स्वीकार भी कर ली, तो अब आपको पूरे मन से उन्हें धन्यवाद देना होगा। आज आपने मुझ बेवकूफ को ये समझा दिया कि आप पत्थर की मूर्ति नहीं हो। सच में इस सृष्टि की बागडोर आप ही के हाथ में। मुश्किल से तो वो समझिए कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। और अगर आप ऐसे चिल्लाने लग गए ना उस पर, तो आपका रिश्ता फिर से वहीं पहुंच जाएगा जहां गुनगुन आपसे नफरत करती थी, आपसे चिढ़ती थी। मारा है इन्होंने मेरी मम्मा को। आप मेरे पापा हो तो कुछ भी करोगे, आप मेरे पापा नहीं हो। आई हेट यू। अरे केतकी, जाने भी धोना, जो हो गया सो हो गया, प्लीज चुप हो जाओ ना। अब चुप तो मैं हो जाऊंगी अजीत, पर राधा को कौन चुप करवाएगा?
जब राधा को पता चलेगा कि मोहन भैया ने गुनगुन को रुलाया है तो फिर भैया करण से बात करेगी। क्या करेगी वो? नहीं, क्या बात करेगी वो मुझसे? गुनगुन जो है ना, वो पहले मेरी बेटी, उसे डांटने का हक है मुझे, और फिर शुरू कर दिया तुमने राधा राधा। क्या चल क्या रहा है यहाँ पर, जिसे देखो राधा का भजन गाते रहता है। मोहन भैया, आप भूल गए राधा के आने से पहले आप कैसे थे? गुनगुन को आपकी जिंदगी में वापस राधा लेकर आई है। आपको मोहन जी को पापा बुलाना, मंजूर? ठीक है, ओके। मैं गुनगुन त्रिवेदी ऑर्डर करती हूँ, उसे मत जाने दो, उसकी शादी मत होने। सालों की दुश्मनी छोड़कर किसी काम के लिए गुनगुन त्रिवेदी और मोहन त्रिवेदी एक साथ आए हैं, बवाल तो हो गई ना, राइट? राइट। डील? डील। भगवान पर विश्वास करना आपको राधा ने सिखाया है। आपने बाकी बिहारी जी को चुनौती दी थी और उन्होंने वो चुनौती स्वीकार भी कर ली, तो अब आपको पूरे मन से उन्हें धन्यवाद देना होगा। आज आपने मुझ बेवकूफ को ये समझा दिया कि आप पत्थर की मूर्ति नहीं हो। सच में इस सृष्टि की बागडोर आप ही के हाथ में है।